गुड मॉर्निंग, नमस्कार जुड़े एवरीवन। तो आज है इनका नहाई नहाई डे, तो इनको नहलाते हैं। आज इनको नहलाया नहीं है काफ़ी टाइम से, दोनों की नहाई नहाई करवाएंगे आज। तो पानी जोड़ रहे हो, ओहो गेट खुला रहे, गेट खुला रहेगा, भाग गया था बाहर अभी, तब बदमाश ने। चलो हमें गुड मॉर्निंग, नमस्कार जुले एवरीवन। तो सुबह के 9 समय बज चुके हैं, अभी आई हूँ मैं नीचे से ऊपर, डॉगीज़ को नहलाया, वो आंगन साफ़ किया, फिर मैंने ये वाला आंगन भी साफ़ किया, उसके बाद तब फिर मैं जाके लगी हूँ वीडियो शूट करने। तो चलिए नाश्ता बनाते हैं। नाश्ते में सोच रही हूँ घ्यू बाड़ी बना दूँ, सेंगो बना दूँ, क्या बना दूँ समझ ही नहीं आ रहा है, ये चपाती खा लें। तो चलिए आज चपाती ही खा लेते हैं, फुलके और शाम के आलू पनीर की सब्ज़ी है तो वही खा लिया जाएगा आज। और मौसम देखिए आप, अजीबोगरीब सा है, ना धूप है ना बादल है, तो ठीक ठीक सा मौसम बना हुआ है, बढ़िया सा। तो बारिश इस सितंबर में तो बारिश बताई है, फिर अभी तो बारिश रहेगी, मेरे तक तो शायद ऐसी रहेगा, बारिश वाला सा मौसम ही। गुड मॉर्निंग विद माय टेस्टी टेस्टी नाश्ता। तो नाश्ते में रात की चपातियों को मैंने इसे पापड़ की तरह सेक दिया, करारा करके घी लगा दिया इनमें। और यह है आलू और पनीर की सब्ज़ी, जिसमें कि पनीर तो घूमी है, सब छट गया है। और यह है दही, चाय होगी ऐसी काली गुड़ डालने के बाद, तो देखो कैसी होगी, ऐसे गुड़ का वो लग रहा है तो पूरा। और ये है इनका नाश्ता। और गुड मॉर्निंग जुले एवरीवन, आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप सब लोग खुश रहे। तो ये देखिए इनके नाश्ते में है हाफ फ्राई सब्जी और चटनी। तो चलिए नाश्ता करते हैं फटाफट से। और इसमें सेव है, मैंने जो कल भी नहीं दिखा पाई थी, मैं आज दिखा देती हूँ। ये ढक के रखे थे ना, मक्खियाँ मंडराती हुई, धो धा के फ्रिज में रखे हुए, तो देखिए बिल्कुल फ्रेश नहीं होते, क्रिस्पी क्रिस्पी वाले सेब, हाँ मजा आ गया। बगीचे से आए तार ताजा नटवार से आए हुए सेब, तो दो दो खाती हूँ मैं रात को, डिनर नहीं करती हूँ आजकल, दो दो सेब की मुरम्मत हो रही है, क्योंकि वरना बाद में ना ये वैसे हो जाएंगे, बोल नहीं जाते हो सब सब पाले, वो सेब तो मेरे से खाए नहीं जाते, बहुत ही बेकार लगते मुझे, ऐसे सेब पसंद है बिल्कुल पेड़ से उतरे हुए। तो चलिए जी नाश्ता करते हैं फटाफट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के 11:30 बजे मैं लगी थी अपनी अलमीरा सेट करने, तो उसमें से निकले मेरे सूट्स, ये देखिए मैंने अभी तो लिया था, ये हाल ही में लिया था, ये निधा से लिया था, बहुत सुंदर सूट है, जो कि मैंने अभी तक नहीं पहना है, ये मेरे को सोनम ने कही थी मैंने नहीं पहना है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ये मैंने एक बार भी नहीं पहना है। और ये स्टिचिंग के लिए है, और ये सूट एक बार मैंने पहना था, एक बार दागर ने पहना था ये सूट, तो सारे चारों के चारों पांच के पांच नए सूट मेरे पास पड़े हुए हैं, और बाकी सूट मेरे उस तरफ और भी होंगे, मेरे को देखने पड़ेंगे अभी। तो फिर मैं भी अलमीरा सेट करी थी, मेरी अलमीरा की जो हालत है ना, जाड़ो गर्मी सारे कपड़े मिक्स हो गए थे इसमें, तो इनको सबको हटा के मैं अलग अलग करने लगी हूँ, विंटर्स के विंटर्स के अलग। और ये वाला जो कुर्ता था ना, गाउन है वैसे ये, मगर हम कुर्ते की तरह पहनते हैं, पहाड़ी लोग हैं ना, गाउन को गाउन की तरह कभी नहीं पहनते, ये मैंने एक बार पहना है बस, तो ये मेरा गाउन है, तो कुर्ते की तरह पहनती हूँ मैं इसको भी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इनको रखते हैं हम एक तरफ और अलमीरा अपनी सेट करते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड्स देखिए, मुझे मिली है एक साड़ी, और ये है दागर की साड़ी, तो इसका जो ब्लाउज है ना बिल्कुल ही छोटा सा, तो दागर तो साड़ी कम ही पहनती है, तो इतना छोटू सा ब्लाउज है मुझे तो कभी अटेगा नहीं है, तो मुझे इसके साथ ब्लाउज लेना पड़ेगा दूसरा, तो मेरे काम आ जाएगी ये साड़ी। ये देखिए दागर का एक तो सब ब्लाउज कपड़ा वेस्ट कर दिया उस लड़की ने पूरा का पूरा, तो ये ड्राई क्लीन करके आई होगी, तो ये मैं भी देख रही थी, तो ये पूरे पैकेट के अंदर से निकला। और ये निकला दागर का छुआ, रेड कलर का छुआ एक और ब्लू वाला एक छुआ, तो सब ड्राई क्लीन करके कॉलेज लेके गई थी ना, वहाँ से पूरे गंदे करके लाई थी, तो मैंने ड्राई क्लीन करवा के रख दिए हैं, जब उसको ज़रूरत होगी फिर से पहन लेगी। ब्लाउज तो मुझे कत्ता ही नहीं आएगा, किसी एंगल से ही नहीं आने वाला ये तो मुझे, तो चलिए मैं इनको उठा के रख देती हूँ कोई साइड में, दागर के रूम में रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स 12:15 बज चुके हैं, और ये मेरी अलमारी सेट हो चुकी है, इसमें सारे टॉप्स हैं, टॉप टी शर्ट्स हैं इस, और ये स्टोल्स हैं ऊपर से, और इसमें है कुर्ते कुर्ते कुर्ते, और इसमें है गाउन्स, और जो मेरे नए पहने हुए सूट थे मैंने यहीं पे रख दिए वो, और एक स्टिच करने वाला सूट था वो कहाँ रह गया मेरा, एक सिलने वाला सूट है वो बाहर, अच्छा वो मैंने वहीं रख दिया, उसको सिलने दे दूँगी आज। और नीचे में मेरे ट्राउजर्स वगैरह पैंट्स वगैरह, और ये जो दो है ना ये मेरे डाठू है, हालांकि मैं पहनती कभी नहीं, बट मैंने रखे हुए, कभी काम आ जाते हैं ना, कभी पहनने का दिल करता है डाठू, बाहर तो हम पहन के नहीं जाते यहाँ पे, तो जब हिमाचल में तो हम बाहर भी पहन के चले जाते हैं इनको, तो ये हिमाचली होता है डाठू सर में बांधने वाला, तो ये मेरे दो डाठू है नए के नए, ये मेरे को लास्ट, ये हमारी अलमारी ऊपर से जैकेट्स है, जैकेट्स तो अभी ऐसे ठूसे भी है, अभी रहन देती हूँ उनको यार ठीक होगा। और ये मेरे फेस टॉवल्स हैं जो मैंने ऐसे रखे हुए, जब मैं फेस वॉश करती हूँ सीधे यहीं से निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। आज मेरी अलमारी थोड़ी क्लीन क्लीन सी लग रही है, और ये मैंने रिपेयरिंग के कपड़े भी निकाले, एक कुर्ता है ना इसके पीछे दाग लग गया, बहुत प्यारा कुर्ता है लाइट कलर का समर वेयर, तो इसमें ये दाग लगा हुआ है, तो इसको कटवा ही देती हूँ मैं, दाग तो छूटेगा नहीं इसका, तो उसको कटवा देती हूँ। और ये ट्राउज़र काटने के लिए, एक ये ट्राउज़र काटने के लिए, दो पैंट्स काटने के हैं मेरे। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, खाना बनाती हूँ पहले फटाफट से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के 12:20 हो रहे हैं इस समय, और मैं अपने अलमीरा सेट करके आ गई थी बाहर को, मैंने लिए एक एप्पल, में लगी हूँ एप्पल खाने, इतनी बड़ी बाइट मैंने एक मार दी, मुझे ना एप्पल ऐसे काट के खाने में मज़ा नहीं आता, ऐसे बाइट करके खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग, और इस तरह का फ्रेश एप्पल होना चाहिए बिल्कुल रसीला, जो ऐसे हो जाता ना अदर पका था, वो मुझे बहुत ही बेकार लगता है, तो वो एप्पल मैं कभी नहीं खाती हूँ, और जितनी बार भी मैंने बाज़ार से एप्पल खरीदा ना, तो मुझे वो अदर पका टाइप का एप्पल ही मिला है, तो मैं खरीदती भी नहीं हूँ बाज़ार से,
तो ये घर के एप्पल थे, तो मैंने आजकल इसी पे मैंने जोर लगाया कि इससे पहले कि पक जाए और मैं ना खा पाऊँ, तो मैंने कहा मैं अपने हिस्से का पहले खा लेती हूँ। और मैं अपनी बगिया में आई थी बाहर, छोटी सी बगिया में, बस ऐसी ताक झांक करने के लिए, आज कुछ भी काम नहीं करूँगी। बड़े बड़े से लंगूर उछल रहे हैं खूब। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर खाना बनाते हुए, आज बनाऊँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मैं लगी हूँ सब्ज़ी बनाने, सब्जी में मतलब दाल बनाने, दाल में नारी भटकी चटकानी, जो कि बहुत ही बुरी तरह से चटक रहे और तेल उड़ के मेरे मुँह में आ गए दो तीन बार, भयंकर बुरी तरह से चटकने लगी मैं ये। तो थोड़ी सी बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं, दो तीन लोगों के लिए बस, बाकी दाल सब्ज़ी बची हुई है। मेरा पुलाव बनाने का प्लान था, कल के चावल भी काफ़ी बचे हैं और दाल भी, तो फिर हम लोग वही खा लेंगे। तो ज़रा सा ही बना देती ताकि वो कम ना पड़े। तो फ्रेंड्स, ये हमारी भटकी चुटकानी तैयार हो गई है, अब इसको उबालेंगे, बस सिम आँच पे रखेंगे थोड़ी देर तक, तो 10-15 मिनट उबाल देंगे। यहाँ पे चावल पकने को रख दिए और ये मैंने रखा है पानी, नोनी आया स्कूल से गिटार प्रैक्टिस के लिए था, जबकि टीचर्स डे था आज, तो अरे सॉरी, सभी को हैप्पी 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 टीचर्स डे। कोई ना कोई, किसी ना किसी का टीचर ज़रूर होता है, चाहे जिस भी वे में, मतलब सबके टीचर होते हैं। स्पेशली टीचर्स के लिए तो खैर है ही सल्यूट, हैप्पी टीचर्स डे। और बाकी सभी लोगों के लिए भी, हर इंसान, मैंने बताया ना किसी का टीचर होता ही है। तो ये नोनी के लिए मैं बना रही हूँ सैन, वो स्कूल से आया, उसने फिर बोला कि मुझे सैन खाना है, तो उसके लिए मैंने सैन चढ़ा दिया है। सैन बोले तो घीवाड़ी, तो चलिए उसके लिए बनाते। तो जब उसके लिए बनाना था तो मैं और आमा कहाँ पीछे रहते, फिर उन्होंने कहा थोड़ा थोड़ा हम भी खा लेंगे। आमा को मैंने बताया नहीं, अभी आमा को मैं पूछूंगी तो बोल गया थोड़ा सा खा लूँगी, थोड़ा सा मैं खाऊंगी, थोड़ा सा आमा खाएंगे, बाकी नोनी खा लेगा। तो ये मैंने छोटी सी कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें भर के पानी डाल दिया है। तो भटकी चुटकानी भी आज मेरी बहुत अच्छी बनी हुई है, शक्ल से लग रही है ऐसी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेंगोंग बन के तैयार हो चुका है, ये हमारा चुटकानी बन के तैयार हो चुका है। हम गैस को ऑफ करने जा रहे हैं और ये हमारा भालू भी आ चुका है, भालू की डिमांड पे बना है ये। गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, कुछ बोलना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून हो गया इनफैक्ट, हैप्पी टीचर्स डे तो बोल दे सबको, उन्होंने बदतमीजी नहीं करते। सेंगे मुँह में मारूंगी उठा के अभी। हाँ बोल, हैप्पी टीचर्स डे बोल, हैप्पी टीचर्स डे बोल, इसमें मार दूंगी मैं। बोल रहा हूँ यार, हैप्पी टीचर्स डे, मेरे को खाना डाल दो, नाश्ता भी नहीं कराया आपने मेरे को, 11-12 बजे रहेंगे। तो ज़्यादा भाव खाता ना खाना खाने के, तो पड़ भूखे फिर भयंकर। हर इसे में डालना, ले लिया बस, बैगन करेला फ्रिज में डाल रखा, मशरूम सब लेके आई ला रखा है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा घ्यू बाड़ी, तो नोनी के साथ में है, नहीं खोला ना आपने, फ्रिज में डाल रखा मैंने कल का। तो फ्रेंड्स, टीवी में चल रही है सूर्यवंशम ही ना फिल्म नाम, नहीं सूर्यवंशी ना, सूर्यवंशी है। तो कितनी बार देख ली होगी आमा, कितनी बार देख ली होगी, तो याद भी नहीं होगा, जितनी बार भी आएगी उतनी बार ही देख लेते शायद। वही तो नोनी बोलते रहे मूवी बोरिंग लगती नहीं, ये भी देख रहे साथ में। अच्छा यही देख रही है, 36 बार आ गई होगी, 3600 बार देख ली होगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो समय बज रहे हैं दिन के 2:30 और मैं घर से निकल चुकी थी, तो मैंने शूट नहीं करा था। अभी मैं स्टेट बैंक वाली साइड से चली हूँ बाजार वाली साइड को। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके चलने वाली हूँ गुड लक पार्लर। तो आज वो मैनीक्योर पेडीक्योर जो कुछ भी होता है वो सब करवा के आऊँगी। मतलब मैं काफ़ी टाइम से जाना चाह रही थी, मगर हमेशा ना एलर्जी के चलते फिर मैं नहीं जा पाई थी। तो आज मैंने डिसाइड किया कि एलर्जी तो होती रहेगी, देखी जाएगी, तो मैंने कहा चली जाती हूँ आज। तो चले लेके चलती हूँ आप लोगों को गुड लक पार्लर, जो कि है बड़ा बाज़ार में, बड़ा बाज़ार वाले गुड लक पार्लर में जाती हूँ, मैं मॉल रोड वाले में नहीं जाती हूँ। तो चले चलते हैं गुड लक बाज़ार से होते हुए। तो फ्रेंड्स, द बड़ा बाज़ार, द हेरिटेज मार्केट, स्टाफ 1845 लिखा हुआ है और लाइटें लग गई है बड़ा बाज़ार में भी। तो चले चलते हम लोग अंदर को, तो मेले की तैयारियां जो है जोरों पर हैं, और चले बड़ा बाज़ार दिखाते हुए ले चलती हूँ आप लोगों को। और अभी यहीं से खड़ी मार्केट भी दिखाऊंगी फिर। देखिए ये खड़ा बाज़ार का, खड़ा बाज़ार वाली मार्केट जो है ना, तो बहुत खूबसूरत सी मार्केट है। तो चले हम यहाँ से होते हुए चलेंगे सीधा आगे को। तो जो गुड लक पार्लर है वो है आगे अनुपम रेस्टोरेंट के बगल में और शिवा रेस्टोरेंट के सामने में। तो चले हम लोग मिलते हैं जाके अब पार्लर में। तो ये बड़ा बाज़ार का नज़ारा है इस समय दिन के 2:30 बजे का। तो बाज़ार में काफ़ी चहल पहल आज लग रही है लंच टाइम में, तो अनुपम के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं गुड लक सैलून। हेलो, कैसे हैं? आज मैं स्पेशली आई हूँ टाइम निकाल के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे होते हैं जेंट्स का जो भी, ये वाला सैलून जो स्टार्टिंग में आते हैं जेंट्स का यहाँ पे, और इसके बाद महिलाओं के लिए यहाँ पे सुंदर सुंदर महिलाएं हैं, लड़कियाँ सब। तो फ्रेंड्स, करवा चुकी हूँ मैं फेशियल, तो ये है रुचि जिसने मेरा फेशियल किया था, अभी लग गया है पैक, फेस पैक लगा के
थोड़ा देर बैठ जाती हूँ, उसके बाद मैं जब आई गई थी तो सारा कुछ करवा देती हूँ एक साथ ही। अब मैनीक्योर पेडिक्योर दोनों ही करवा देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर कुछ देर में, बहुत लग रही हूँ मैं। आप तो फ्रेंड्स देखिए मेरी चल रही है कॉफ़ी के साथ, पेडिक्योर और मैनीक्योर साथ में। तो गुडलक सैलून बेस्ट सैलून से अच्छा सैलून है तो गुडलक सैलून ही है। और मस्त गर्मा गर्म कॉफ़ी फेशियल करवा चुकी हूँ, उसके बाद आई हूँ पेडिक्योर मैनीक्योर। विजिट कीजिएगा गुडलक पार्लर नैनीताल। तो फ्रेंड्स मेरा मैनीक्योर पेडिक्योर हो चुका है और मैंने लगाई है स्काई ब्लू कलर की नेल पेंट। स्काई भी नहीं एक्चुअली, पता नहीं कैसी कलर की नेल पेंट है, तो मैंने खुद सिलेक्ट करी थी। तो पैर में लग के उतनी कुछ खास नेल पेंट का कलर उतना मज़ेदार नहीं हुआ, मेरी सिलेक्शन थी ये। मुझे लगा था ब्लू में आएगा तो ये थोड़ा सा वाइटिश में आ गया है। कौन सा ब्लू है प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा। तो इसके बाद अब हेयर कटिंग, बाकी सब कुछ हो चुका है मेरा, तो थोड़ी सी हेयर कटिंग को ले लेती हूँ। यहाँ से हम जब नीचे को उतरे तो नीचे वाले फ्लोर में था सब कुछ, मैनीक्योर पेडिक्योर हेयर कटिंग एंड सारा कुछ जो भी कराना है। तो यहाँ पे भी हो जाता है हल्का फुल्का हेयर कटिंग वगैरह, तो हेयर कटिंग वगैरह यहाँ पे होता है मोस्टली। तो मेरा ममता ने करा आज सारा। तो फ्रेंड्स ये गए मेरे लंबे लंबे बाल यहाँ पे सारे सारे अप्रैल में आ गए। तो ये मेरा नया हेयर कट जो कि आपको फाइनल होने के बाद दिखा दिया जाएगा। तो शानू भाई हमारे हेयर ड्रेसर बहुत अच्छी हेयर कटिंग करते हैं, बहुत अच्छी। इतनी लंबी लेंथ गई, हो गया कटिंग बस इतना ही? नहीं नहीं अभी करूँगा। तो फ्रेंड्स मेरा हेयर कट जो कंप्लीट हो गया है, तो ये मेरा फाइनल लुक आ जाया बाल कट करने के बाद। तो मैंने क्या किया कि क्लचर नहीं लगाना है वरना मेरा हेयर कटिंग दिखेगा नहीं ना, तो हेयर कटिंग दिखना तो चाहिए, इतने उससे काटा है, इतनी मेहनत से काटा है। तो चले मिलते हैं इसके बाद जाके मार्केट में। तो मैंने बोला प्यारी प्यारी सी लड़कियाँ दिखा दी, लड़कियों ने सबने अपने मुंह ढक दिए एक के सिवा, एक तो इधर को चली गई यहाँ पे देखो। तो चले चलो भाई, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स मैं निकली पार्लर से बाहर, तो मैंने देखा बाहर ना मौसम बिल्कुल कोहरे वाला, जब मैं अंदर गई थी तो बिल्कुल साफ सुथरा सा मौसम था। और मैं गई थी 3:45 बजे, निकल के आई हूँ 6:15 बजे। तो मेरा ना आज पूरा टाइम पार्लर में चला गया और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतना सारा टाइम से वहाँ बैठी हूँ। तो मुझे अच्छा लगा अपना हेयर कट में, तो छोटे छोटे से बाल हो गए मेरे। तो चलिए इसके बाद हम मार्केट में जाके मिलेंगे, थक भी गई मैं बैठे बैठे, कॉफ़ी पी बस मैंने, उसके बाद कुछ नहीं खाया पिया। अब जाके एप्पल खाऊंगी दुकान पे। खतरनाक काले घने बादल आ गए हैं और भीड़ भी दिख रही है आज मार्केट में, क्या बात। फ्रेंड्स मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ मस्जिद वाली तरफ में, जामा मस्जिद मल्लीताल। और मौसम आप देख सकते हैं भयंकर, भाई खतरनाक ही मौसम बना हुआ है। तो चलिए फील्ड का थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। फील्ड में चल पड़ी है मेले की तैयारी, इससे पहले कि कोहरा आ जाए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। सामने से देखिए शेड जैसे जो बन रही है, यहाँ पे शॉप्स बन रही है ये, और खूब ही रश हो रहा है भाई सब फील्ड में। देखो बच्चे हर तरफ फुटबॉल ही फुटबॉल, इतने सारे फुटबॉल है यहाँ पे। तो चलिए ये यहाँ पे, तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे को और मिलते हैं जाके मार्केट की साइड में। तो भयंकर मौसम हो गया भाई। फ्रेंड्स ये थी पार्किंग जो कि अब हो चुकी है खाली, अभी पार्किंग की जगह में खाली मैदान है। मैं यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि सोना सोना सा लग रहा है, और क्या लग रहा है क्यों लग रहा है मुझे पता नहीं चला। तो यहाँ पे लगती है बैंगल्स वगैरह की दुकानें, मतलब ये पूरे एरिया में भी दुकानें लग जाती है, फील्ड के अंदर भी दुकानें लगती है। तो यहाँ पे दुकानों का चल रहा है कुछ, तो खड़े हैं सामने से नगर पालिका वाले और पुलिस वाले भी, और बबली दी साथ में जो कि हमेशा कंपलसरी रहती है सभी जगह। तो यहाँ पे ये बिछा दिया गया है, मिट्टी का मलबा टाइप्स का बिछा दिया गया है, और सारी पार्किंग जो खाली कर दी गई यहाँ से, जो है सारा वो हटा दी, गाड़ियाँ वगैरह जो हटा दी गई। तो आज से पार्किंग जो है यहाँ पे बंद हो चुकी है, तो आप लोग अपने पार्किंग की व्यवस्था कहीं और करें। तो चलिए अब हम चलते हैं पहुँचने वाले दुकान की तरफ। हेलो बबली दी, कैसी हैं आप? तो फिर से हमें एक बार मिल चुकी हैं बबली दी, हेलो बोलो सबको। हेलो हेलो, बोलो घेवर लेके आना अगली बार भी। बोलो अगली राखी भी घेवर लेके आना, बोलो अगली राखी पे घेवर लेके आना, जरूर लेके आना बबली दी के लाल। कोई नहीं बोल रहे। चलो बाय। तो चलिए फ्रेंड्स बबली दी मिल गई थी मैं मुझे अभी, तो बबली दी से थोड़ा सा मजाक मस्ती करते हुए हम लोग चलते हैं दुकान की तरफ। फ्रेंड्स मैया जी का मंदिर सामने से, तो हम लोग एंटर हो चुके हैं मार्केट में, गुरुद्वारा साहिब और मैया जी का मंदिर। तो ये है मार्केट का नज़ारा इस समय में। तो आज थोड़े से लोग मतलब बाजार से ही दिखना स्टार्ट हो गए थे, दिखते जा रहे थे और यहाँ पे दिख ही रहे हैं काफ़ी। चलते दुकान की तरफ, अपना थोड़ा देखती हूँ, मेरे बाल ना सारे उड़ के ऐसे हो गए जैसे ना कैसे, मैं बता नहीं सकती, मेरे बालों का पूरा हुलिया चेंज हो गया अभी। तो सबसे पहले तो मैं जाती हूँ वॉशरूम, पता नहीं चलना, फिर 1 बजे जाएंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, 2 बजे जाएंगे, 1:30 बजे। तो फ्रेंड्स हम लोग, मैं ना दुकान आई, इधर घूमी उधर घूमी, गप्पे शप्पे मारी,
और मैं चल पड़ी वापस घर की तरफ। तो हम लोग जाएंगे पहले मॉल रोड की तरफ और उससे मॉल रोड से घूमते घूमते फिर हम लोग जाएंगे घर की तरफ। तो चलिए थोड़ा सा वॉक करते हैं मॉल रोड पे और उसके बाद वो करते हैं। तो फ्रेंड्स ये इस समय फुटपाथ वाली साइड का नज़ारा, कुछ लोग दिख रहे हैं मगर है नहीं इतने लोग। खाली थी ना भाभी मार्केट तो दिन भर? खाली पूरा दिन खाली है भाभी के। मैं तो खैर अभी आई हूँ आते ही मैं। तो ये फ्रेंड्स मैं हमेशा दिखाती हूँ आपको अम्मा के खिलौने, अम्मा के शो पीसीज है, बहुत ही खूबसूरत। अम्मा बहुत ही अच्छे अपने हाथों के बनाए हुए। अच्छा बेचारे अम्मा बॉनी भी ना हो रही, कह रहे अम्मा आज है ही नहीं, लोग ही नहीं है, काम धाम का यही हाल है। अच्छा तो चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं थोड़ा आगे और मिलते हैं आगे जाके पंत पार्क में, क्योंकि आज दिन में पंत पार्क मैंने नहीं दिखाया था तो अभी दिखाऊंगी शाम के समय में। तो ये तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं मॉल रोड और ना हल्की हल्की छींटे पड़ने लगी है। तो रोड तो खुलने की वाली है, क्यों गाड़ियाँ खड़ी, 7:10 ही हो रहे अभी तो रोड बंद है, है? तो 7:10 हो रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा वॉक करने जा रहे हैं, मगर क्या है ना हल्की हल्की सी छींटे पड़ने लग गई है, बारिश की बूंदें गिरने लग गई हैं तो हमारे भीगने के भी चांसेज है। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो घर जाके एंड होने वाला है नौनी के गाने के साथ। कोशिश करूंगी वो गाए थोड़ा कुछ दो लाइनें, अब गाएगा नहीं गाएगा उसकी मर्जी बाकी। पर भाभी बारिश पड़ रही भीगेंगे हम दोनों, फिर आज मेरे पास छाता नहीं है, फिर जिस दिन छाता होता उस दिन नहीं पड़ती बारिश। तो फ्रेंड्स मॉल रोड में घूमते हुए भाभी और मैं, तो आज मेरे को खुद अजीब सा लग रहा है अपना स्टाइल, बिंदी नहीं लगाया उससे भी होगा शायद, थोड़ा खाली खाली से लग रहा है। तो फ्रेंड्स नंदा देवी महोत्सव जो स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, तो 11 तारीख को वैसे अष्टमी ना, तो 11 तारीख से मेला स्टार्ट है, उससे पहले तैयारियां व्यारियाँ तो सब स्टार्ट हो चुकी हैं अभी से। तो आप सभी लोग अगर मेला घूमना चाहते हैं तो 11 तारीख को आ जाएं, 10-11-12 में तो सबसे दुकानें लग जाएंगी पूरी तरह से। मेला स्टार्ट 11 से ही होगा, अष्टमी से स्टार्ट होता है ना, तो दुकानें लग जाएगी पहले ही। अच्छा अच्छा तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग मॉल रोड में घूम रहे हैं और इसके बाद हम घर जाके वापस मिलेंगे आप लोगों को फिर नौनी के साथ। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं पुमा के पास में वॉक करते करते। तो आज हम लोग वॉक पे निकल आए इधर को, बहुत दिनों से ना हमारी वॉक नहीं हो रही थी। कल था ना वो वॉक के लिए आए हम लोग, वहाँ पे चाट खाया और वापस चले गए, नकली मुझका वॉक करके हम लोग वापस चले गए थे फिर। अरे यार हाँ यार मैं तो कब से खाना खा के आई हूँ। फ्रेंड्स हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे लाइब्रेरी के पास से, यहाँ पे लोअर मॉल रोड में खूब बड़ी सी एक लाइब्रेरी है खूबसूरत सी, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो ये दुर्गा शाह नगर पालिका पुस्तकालय नैनीताल, तो ये है हमारी खूबसूरत सी लाइब्रेरी। तो चले मैंने सोचा था हम लोग यहाँ हूँ मैं, भाभी मुझे ढूंढ रही थी उधर को देख के और मैं यहाँ पेड़ के पीछे। तो चलिए फ्रेंड्स तो लाइब्रेरी से भी थोड़ा आगे तक जाएंगे हम और उसके बाद वापस आते हैं हम लोग। तो मुझे ये लड़का हमेशा ऐसा लगता है जैसे वो है अपना शिवांश है, उस दिन मैंने शिवांश शिवांश इतना बोला इसको उसने सुना नहीं, आज फिर मैं उसको शिवांश बोलने वाली थी वापस। तो चलिए मिलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स चलते चलते हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं फेयर एवेंस के सामने, यहाँ पे है सामने में फेयर एवेंस और यहाँ पे एक दुकान जहाँ से फिर जाते हैं हम लोग थोड़ा बहुत सामान भी उठा लेते कई दफ़ा। तो मैंने लिए ये लस्सी स्मूथ वाली लस्सी, कुछ अलग अलग कोई फ्लेवर आया हुआ था, मैंने कहा ये ट्राई करो आप, मैं लस्सी पीती हूँ ना, तो चलिए इसको ट्राई करते हैं और चलते हैं घर की तरफ पीते पीते। छोटा बेबी आ गया, छोटा बेबी बाहर से बोलते आ रहा था मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई है ना, ऐसे बोलते आ रहा था तो चीची नहीं लाई मैं। मेरा छोटा बच्चा देख मेरा नया स्टाइल कैसा लग रहा है, हाँ तू तो काटता नहीं, मतलब मैं ही काट देती तू तो बाल है ना, बंगाली दुकान ना, थोड़ी आंखें भी बड़ी होती एकदम मस्त बंगाली लगती है। हाँ तो फ्रेंड्स जैसे मुझे अच्छा कॉम्प्लीमेंट देखिए, मैं बंगाली लग रही हूँ, मुझे बंगालीज पसंद है एक्चुअली, थोड़े सांवले उसके साथ में। तो चलिए गाना सुनाएगा, तो अभी मैं नहाने जा रही हूँ, पहले नहा के आ रही फिर गाना सुनाए, ठीक है तैयार कर तब तक है प्लीज ना, तेरे गाने के साथ तभी मेरे ब्लॉग को एंड नहीं करा, तो हल्का सा एक दो लाइन बस के मैं जावांगा, कौन सा गा रहा है बस और। तो चलिए फ्रेंड्स आज का जो व्लॉग है इसको यहीं पूर्ण विराम देते हैं नौनी के सड़े से गाने के साथ, और मैं चली थोड़ा नहा लेती हूँ यार, गर्मी लग रही है बहुत पूरी तरह से। तो कल को फिर मिलेंगे नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ, और आपको मेरा नया लुक कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।